राजस्थान में आज होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, सुबह 11:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। सूत्रों के मुताबिक 23 विधायक मंत्री पद की ले सकते हैं शपथ। आज भुवनेश्वर के एक दिन के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, आईआईटी भुवनेश्वर का करेंगे उद्घाटन, कई परियोजनाओं का भी करेंगे शुभारंभ। राम मंदिर के मुद्दे पर मोदी सरकार की परेशानी बढ़ाएगी शिवसेना, आज धार्मिक शहर पंढरपुर में साधु संतों से मिलेंगे उद्धव ठाकरे, एक रैली को भी करेंगे संबोधित। लखनऊ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की रैली में लगे नारे, लोगों ने कहा मंदिर जो बनवाएगा वोट उसी को जाएगा, नारेबाजी के कारण राजनाथ को रोकना पड़ा भाषण। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू का पीएम मोदी पर वार, कहा खोखले व्यक्ति हैं मोदी, अपना गुणगान करने के अलावा मोदी ने देश के लिए कुछ नहीं किया। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा की तारीख का ऐलान, 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से 3 अप्रैल तक, 10वीं की परीक्षा 12 फरवरी से 29 मार्च तक होगी। लोकसभा चुनाव की वजह से जल्दी हो रहे हैं पेपर। राजनीति में फिर सक्रिय हुए तेज प्रताप यादव, आज पटना में लगाएंगे जनता दरबार, तेज प्रताप के कदम से लालू परिवार में दरार के संकेत। वैष्णो देवी में आज होगा रोपवे का उद्घाटन, राज्यपाल सतपाल मलिक करेंगे उद्घाटन, रोपवे से माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को होगी सुविधा। ठंड से छिटरी राजधानी दिल्ली, कोहरे के कहर के साथ शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, कोहरे की वजह से कई ट्रेनें और फ्लाइट रद्द। और आज हो शर्मा ग्रैंड रिसेप्शन।